सुग्रीव जी, विभीषण जी, जामंत जी, अब आप हमें परामर्श दीजिए, हम इस विशाल समुद्र को कैसे पार करें। हे नाथ, यद्यपि आपका एक ही बाण करोड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, परंतु नीति यही कहती है कि पहले हमें समुद्रदेव से विनती करनी चाहिए। भैया, देव देव आलसी लोग ही पुकारा करते हैं, आप अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर समुद्र देव को सुखा दीजिए। शांत लक्ष्मण शांत, जो कार्य शांति से हो सकता है उसके लिए युद्ध करना व्यर्थ है। भैया, समुद्र देवाय नमः। समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। ओम समुद्र देवाय नमः। बिने नमानत जलधि जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए नबीत। आज तीन दिन बीत गए इस जड़ समुद्र से प्रार्थना करते करते, लेकिन इस जड़ समुद्र ने हमारी विनती स्वीकार नहीं की। सत्य ही कहा है कि भय बिना प्रीति नहीं होती। लक्ष्मण जी, भैया लाओ मेरा धनुष, मैं अभी इसे अग्निबाण से सुखा दूंगा। त्राहि माम। हे रक्षा सिंधु, रक्षा करो और मेरे अवगुणों को क्षमा करो। हे समुद्र देव, हमने आपसे प्रार्थना की, हमने आपसे विनती की, लेकिन आपने हमारी विनती का अनुचित लाभ उठाया, अब उसके फल को भोगने से क्यों घबराते हो। हे नाथ, आपका क्रोध तो प्रलय के समान है, आपका एक ही बाण अनेकों ब्रह्मांड का नाश कर सकता है, तो मैं दीन बेचारा किस गिनती में हूँ। मुझे अपना दास समझकर क्षमा कीजिए और इस भयंकर बाण से अभ्यदान दीजिए। महाराज, हे दीनानाथ, ऐसा कार्य कीजिए जिससे मेरा भी मान बना रहे और आपका कार्य भी हो जाए। तो ठीक है, वो उपाय आप ही बताएं। सुनिए महाराज, एक नदी किनारे क्षमाशील मुनि रहते थे, वहाँ ये दोनों भाई नल और नील उपद्रव किया करते थे। जब भी वह मुनि आंखें बंद कर समुद्र में बैठते तो यह उनके ठाकुर जी को उठा लेते और समुद्र में बहा देते। एक दिन मुनि ने क्रोधित होकर यह श्राप दिया कि तुम जो भी वस्तु समुद्र में डालोगे वह ऊपर ही तैरेगी और एक ही स्थान पर स्थिर रहेगी। इसलिए नाथ, आज्ञा दीजिए कि सभी वानर बड़े बड़े पत्थर उठा कर लाए और ये नल नील दोनों अपने उसे अपने हाथों से समुद्र में बहाए। इस प्रकार सुपुल बनकर तैयार हो जाएगा और सेना को पार करने का मार्ग मिल जाएगा। हे समुद्र देव, धनुष पे चढ़ाए इस बाण को हम किस दिशा में छोड़ें? हे नाथ, इस बाण से आप मेरे उत्तर तट पर रहने वाले राक्षसों का नाश कीजिए। बोलिए रामचंद्र महाराज की। सभी वानर पहाड़ों से पत्थर उठा कर ले आओ। जय श्री राम। चलो भाइयों, आइयो। बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया। राम सने सारे भैया, राम सने सारे भैया, बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया। राम सने सारे भैया, राम सने सारे भैया, बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया, हो बोलो राम रमैया।
दूर दूर सब भाग के जाए, दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, सागर पे अब बुलवा देंगे, सागर पे अब बुलवा देंगे, नल लील दो भैया ओ भैया, नल लील दो भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम राम सनेही सारे भैया, राम सनेही सारे भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, दूर दूर सब भाग के जाए, पर्वत तोड़े पत्थर लाए, सागर पे अब बुलवा देंगे, सागर पे अब बुलवा दो भैया ओ भैया, दो भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, 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 राम सनेही सारे भैया, राम सनेही सारे भैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, अरे बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया, 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 बोलो राम रमैया हो, बोलो राम रमैया। जय श्री राम। अब आप आज्ञा दीजिए और सेना को आगे जाने का की अनुमति दीजिए। नल नील, मैं तुम्हारी शिल्प कला देखकर अति प्रसन्न हुआ। प्रभु, ये तो आपका ही प्रताप है। सुग्रीव जी, सेना को आज्ञा दीजिए। चलिए प्रभु। रामेश्वर जी, ये भूमि बड़ी रमणीय है। मेरे हृदय में परम संकल्प है कि मैं यहां पर रामेश्वरम की पूजा करूं और उनकी स्थापना करूं। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। ॐ नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः लिंग थापि विधिवत करी पूजा शिव समान प्रिय मोहिना दूजा शिव से अधिक मुझे कोई प्रिय नहीं शंकर से ध्रुव रखने वाला चाहे मेरा वो भक्ति क्यों ना हो वो मुझे कभी नहीं पा सकता इसलिए मेरे द्वारा स्थापित इस रामेश्वरम के जो दर्शन करेगा अंत समय में वो मेरे परम धाम को प्राप्त होगा बोलो शंकर भगवान की जय हे रघुनाथ जी अब वानर सेना को समुद्र पार करने की आज्ञा दीजिए चलिए सुग्रीव जी चलिए प्रभु